एचआई न्यूज, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी चढ़ा लोकायुक्त पुलिस, कहते जमीन की पावती बनाने के लिए मांगी थी रिश्वत। उज्जैन से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पिपली या लिम्बा गांव में रहने वाले किसान भूपेंद्र चौधरी ने पिछले दिनों पटवारी दुष्यंत वर्मा से जमीन की पावती बनाने की बात की थी। नई पावती के एवज में पटवारी ने 5,000 की रिश्वत मांग ली। पीड़ित किसान भूपेंद्र चौधरी ने काफी मजबूरी के मारे पटवारी को 5,000 रुपए देने के लिए हाँ कर दिए, लेकिन किसान भूपेंद्र ने जागरूकता दिखाते हुए इस बात की सूचना लोकायुक्त पुलिस को भी दे दी थी। दोनों के बीच सौदेबाजी का रिकॉर्ड 21 जुलाई को ही लोकायुक्त पुलिस के पास पहुंच गया था। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी दुष्यंत वर्मा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। इस बीच किसान भूपेंद्र चौधरी ने पटवारी को रिश्वत देने की कोशिश की, मगर दुष्यंत वर्मा की जिद थी कि वह गांव में ही आकर रिश्वत लेगा। इस बात की जानकारी लोकायुक्त टीम को भी लग चुकी थी। लोकायुक्त टीम ने गाँव में ही जाल बिछाकर शुक्रवार सुबह दुष्यंत वर्मा को रंगे हाथ पकड़ लिया था। पावापुरी में रहने वाले दुष्यंत वर्मा को रंगे हाथ पकड़ने वाले लोकायुक्त निरीक्षक राजेंद्र वर्मा ने बताया कि उन्होंने पावापुरी में नया बंगला भी बनाया है, उसकी भी जांच की जाएगी। आवेदक भूपेंद्र चौधरी निवासी ग्राम लिम्बा पिपलिया ने दिनांक 22 को एक शिकायत आवेदन पत्र दिया था कि उसकी माँ सुमित्रा बाई और पिता जाधव सिंह कि पुरानी पावती हो गई थी, उसको नई करवाने के एवज में पटवारी दुष्यंत वर्मा पटवारी हल्का नंबर 22 से 7,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। इस शिकायत का सत्यापन कराया गया, सत्यापन सही पाया गया। पटवारी 5,000 रुपये लेने के लिए सहमत हुए और आज दिनांक 31 को पटवारी दुष्यंत वर्मा वह रिश्वत राशि 5,000 रुपये उनके घर पर लेने के लिए आए और जैसे ही उन्हें रिश्वत राशि दी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिए।